Hey guys, अभी कब प्लान है कि आज मुझे घर जाना पड़ेगा, उसी के लिए अभी निकल रहा हूँ। मेरा ट्रेन है 9 बजे को और अभी टाइम हो रहा है 8:45, सो फटाफट जाना पड़ेगा ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो मिलते हैं ट्रेन में जाके। फाइनली स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, अभी ट्रेन नहीं आया है। ट्रेन का टाइम था 5 को और वेट कर रहा हूँ, और स्टेशन पूरा फुल है, पैसेंजर इतना ज़्यादा है आज। वो दिखाता हूँ थोड़ा सा नज़ारा, पूरा स्टेशन फुल है बदरपुर जंक्शन। अभी तो ट्रेन नहीं आया है, ये साल्टिंग के लिए हॉर्न बज रहा है। अभी मैं प्लेटफॉर्म के लिफ्ट पे अंदर हूँ, आप देख सकते हैं न्यू हॉफलॉन्ग का कंडीशन। अभी काम चल रहा है, स्टेशन पूरा खराब हो गया था। ये है न्यू हॉफलॉन्ग स्टेशन, पूरा काम चल रहा है स्टेशन में भी। तो गाइस सीन ये था कि ट्रेन में चढ़ गए थे, 1 घंटा लेट था, मैं ट्रेन छोड़ दिया था। मैंने स्लीपर पे टिकट बुक किया था, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और हम लोग मैगोंग क्रॉस कर चुके हैं। मिलते हैं सुबह आप लोगों के साथ। अभी हम लोग लमडिंग स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हम लोग लमडिंग पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:55 एंड वी हैव रीच्ड हो जाए। तो मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, कोई होटल मिल गया तो रह लूँगा। ट्रेन ने काफ़ी जल्दी पहुँचा दिया, सब कुछ बंद है, कोई कुछ नहीं मिलेगा मुझे। 4 बज रहा है और पूरा बंद है सब कुछ। एक मिला था गेस्ट हाउस, कोई मिल भी दिया है, कोई निकल। 5 बजे के बाद खुलेगा, तो तब तक के लिए यहाँ पे एसी रुकना पड़ेगा। आप देख सकते हो पूरा बंद है, सब कुछ बंद है। मैं इस होटल के सामने खड़ा हूँ अभी। सर्विस 24/7 होना चाहिए था, कोई आके अगर तुम्हें कहाँ पे रुकना है, ऑब्वियसली होटल में रुकना पड़ेगा। तो अगर होटल बंद मिलेगा तो फिर बंदा कहाँ रुकेगा भाई। और यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है भाई, इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ जब तक कि मच्छर ना काटे। के लिए आया था, उसको ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग निकल चुके हैं ट्रेन पे, फाइनली घर पहुंच गए। और इस जर्नी के दौरान मैं जो सिनेमेटिक शॉट्स लिए थे, जो पहाड़ के नज़ारा, जो भी व्यूज़ था, मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा और आप लोग देखते रहिए। फ्लड के टाइम में ख़राब हुआ था, ये ट्रैक पूरा टूट गया था, लेकिन इंडियन रेलवे ने ये फिर से वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। अभी भी आप देख सकते हैं लोग बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे। रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा खराब था रास्ता, लेकिन अब सही है, अब सब कुछ ठीक है, पहले जैसे ही हो गया। यहाँ पे भी काम चल रहा है। गुवाहाटी टू बदरपुर का जो रेलवे ट्रैक था वो पूरा खराब हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से। ये रास्ता पूरा चेंज, मतलब एक तरफ आप बोल सकते हो ये पूरा नया बना है रास्ता। ये नज़ारा देखिए आप, मतलब दूर से दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स वगैरह, देखिए इतना अच्छा लग रहा है। क्या व्यू है भाई, गजब का व्यू है। आप लोगों को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ये नज़ारा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। ये नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरती है, आपको आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया लग रहा है भाई। एक्चुअली ये पहाड़ लाइन है ना, पहाड़ लाइन में ट्रेन थोड़ा धीरे धीरे चलता है, क्योंकि कहीं पर भी चढ़ाई होता है, कहीं पर भी ढलान होता है, तो स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।